हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज बात करने वाले हैं इस कैमरे के बारे में, और मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, मेरे को किसी ने फ्री में नहीं दिया है कैमरा। ये कैमरा मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है और मैं अपना एक्सपीरियंस इस कैमरे का यूज़ करने का आपके साथ शेयर करूँगा। आप पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और फिर आपको पता लगेगा इसकी बैटरी चार्जिंग किट के बारे में, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज हम किसी ट्रैवलिंग टॉपिक पर बात नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से कैमरे के बारे में जो है DJI का ओस्मो एक्शन। ये जो कंपनी है DJI, ये चाइना की कंपनी है और ये ड्रोन्स बनाती है और बहुत अच्छे ड्रोन्स बनाती है ये कंपनी। ये कैमरा मैंने दिल्ली से ख़रीदा था एक लोकल डीलर से 20,000 रुपीज़ में, और इस कैमरे से मैंने एक पूरी पूरी सीरीज़ शूट की है और बहुत अच्छे से हुई है वो। अगर आपने नहीं देखी मेरी सीरीज़, राजस्थान सीरीज़ है, मैंने कैंपिंग की है डेजर्ट में उस सीरीज़ में, और आप जाके देखें मेरी वीडियोस, वो पूरी की पूरी इसी कैमरे से शूट हो रखी है। बहुत अच्छा कैमरा है, मैंने इसको यूज़ किया है। मगर जो अच्छी चीज़ होती है उसकी थोड़ी सी कमियां भी होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अभी मैं दिखाता हूँ मेरे को इस कैमरे के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। ये एक मेरे को कैमरा मिला है, छोटा सा कैमरा है ये। ये कैमरा है, इसके साथ मेरे को मिली है एक बैटरी। ये बैटरी 1300 mAh की बैटरी है। एक सी टाइप केबल मिली है इसकी चार्जिंग के लिए। और मेरे को मिले हैं माउंट्स जो मैं अपनी बाइक पे, हेलमेट पे, कार में, कहीं पे भी फिक्स कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कैमरे के फंक्शंस के बारे में। बैटरी ऐसे लगती है, इसमें दो लॉक हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, और अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो रेड लाइट जलेगी, और ये दोनों लॉक लॉक होने चाहिए। अगर पूरे लॉक नहीं होंगे तो इधर ऑरेंज कलर का निशान है दोनों साइड, अगर वो ऑरेंज कलर का निशान आ रहा है, आप सही से प्रेस करेंगे तो अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा कैमरा। ये कैमरा ऑन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें फ्रंट में भी एक स्क्रीन है, अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप आगे भी देख सकते हैं आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कैमरा मैंने यूज़ किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कैमरे का, मगर जब मैंने इस कैमरे को लिया तो मेरे को इस कैमरे की एक कमी लगी, वो है इसकी बैटरी बैकअप। बैटरी इसकी 70-80 मिनट चलती है बस, ओरिजिनल बैटरी। और मैंने सोचा मैं एक्स्ट्रा बैटरीज ले लेता हूँ जो मेरे ट्रैवलिंग व्लॉगिंग में काम आएगी, तो मैंने सर्च करना चालू किया, ऑनलाइन सर्च किया, मगर मेरे को कहीं पर भी कोई बैटरी नहीं मिली, ना चार्जर मिला। DJI साइट पे भी मिल रही है तो 3 महीने 4 महीने बाद ऐसे दिखा रहा है, और कंट्री नॉट अवेलेबल बता रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने बहुत ढूंढा और मेरे को नहीं मिला इसका बैटरी चार्जिंग किट। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने चांदनी चौक के बारे में सुना था, वहाँ पे कैमरा मार्केट है, मैं चांदनी चौक गया, मैंने वहाँ पे जाके ढूंढा मगर मेरे को नहीं मिला वहाँ पे भी इसकी जो बैटरी है और जो इसका चार्जर है, नहीं मिला मेरे को। फिर मैंने कुछ दिनों बाद फिर चांदनी चौक पे विज़िट किया, फिर ढूंढा, फिर नहीं मिला। जब मैं थर्ड टाइम गया चांदनी चौक इसकी बैटरी और चार्जर ढूंढने, तो मैंने फिर से सर्च किया, फिर मैंने और दुकानों पे पूछा मगर नहीं मिला। तो मैं वापस घर जाने लग गया तो मेरे को एक शॉप पर सेम ऐसा बॉक्स नज़र आया। मैं उस शॉप के अंदर घुसा,
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास DJI ओस्मो एक्शन कैमरा है, ओ इसका जो चार्जर और बैटरी किट है आपके पास? उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं आपको एक शॉप का एड्रेस दे रहा हूँ, यहीं पे पास में है, आप वहाँ पे जाके विजिट करें, आपको इसका बैटरी और चार्जर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे एड्रेस लिया, मैं उस शॉप पे पहुँचा। उस शॉप पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास इस कैमरे की बैटरी और चार्जर है? उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा दिखाओ, उन्होंने मेरे को ये बैटरी दिखाई जो है डिजिटल वीडियो बैटरी, लोकल बैटरी है, वीडियो बैटरी, और ये भी सेम टू सेम ओरिजिनल की तरह ही है, 1300 mAh की बैटरी है ये भी। मैंने बैटरी देखी, मेरे को पसंद आई, मेरे को रेट बैटरी के अच्छे लगे। मैंने फिर उनसे पूछा इसका चार्जर मिलेगा? उन्होंने मेरे को दो तीन चार्जर दिखाए, एक दिखाया जिसमें एक बैटरी लगती है, एक दिखाया उन्होंने जिसमें दो बैटरी चार्ज होती है, एक दिखाया उन्होंने मेरे को जिसमें तीन बैटरी चार्ज होती है, ये चार्जर हुआ। मेरे को ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ये परचेज़ किया। अब बात आती है मैंने कितने रुपए का लिया है, ये मैंने दो बैटरी और एक चार्जर मैंने सिर्फ 2100 रुपीज़ का लिया है चांदनी चौक दिल्ली से। अब बात करते हैं लोकल बैटरी और ओरिजिनल बैटरी के बैकअप की। आप सोच रहे होंगे ओरिजिनल बैटरी है तो अच्छी होएगी, मगर ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल बैटरी है जो ये वाली है DJI की, और ये है लोकल बैटरी। ये लोकल बैटरी 100+ मिनट चलती है और ओरिजिनल बैटरी बैटरी चलती है 80 मिनट बस। तो लोकल बैटरी का बैकअप बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस बैटरी को ढूंढ रहे हैं, उनको मिल जाए सस्ते में, और 2100 रुपीज़ में दो बैटरी और एक चार्जर, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप ख़रीद सकते हैं। तीनों बैटरी इस तरीके से लग जाती है इसमें, और आप सी टाइप केबल लगा सकते हैं, यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है, आप केबल लगा के इसको अपने मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हैं बहुत सिंपली। अगर आपको ये बैटरी और चार्जिंग किट चाहिए तो मैं पूरा का पूरा उस शॉप का डिटेल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लें, उनको कॉल कर लें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शॉप पे विजिट करके खुद ले लें, चेक करके देख के। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन उनसे कोरियर करवा सकते हैं, वो कोरियर कर देंगे और सारी डीलिंग ऑनलाइन हो जाएगी, पेमेंट वेमेंट जो भी है, आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑनलाइन के, और आपको कोरियर की डिटेल्स दे देंगे सारी, वो कोरियर कर देंगे इस बैटरी को आपके पास तक। अगर आपको इस बैटरी को लेना है, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप प्लीज़ शॉप पे जाके विज़िट करें और ख़ुद लें। आप पहले चेक करें फिर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वीडियो बनाते हैं और वो फेक वीडियो देख के लोग परेशान होते हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो आप ख़ुद विज़िट करें अगर पास में रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उनको कॉल करें, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे दे सकते हैं कैसे नहीं दे सकते। हम फिर अब इस कैमरे के बारे में फिर से बात करते हैं। ये जो कैमरा है ये बहुत अच्छा कैमरा है, मैंने इससे बहुत सारी वीडियो शूट्स किए हैं और बहुत अच्छे करता है ये। मैंने मोटो व्लॉगिंग की है इससे, और मेरे को जो इसमें कमियां लगी वो इस क्लियर रिकॉर्ड नहीं होती है अगर आप ज़्यादा फास्ट बाइक चला रहे हैं। अगर आप 30 की स्पीड में हैं तो वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर रिकॉर्ड होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी आपको कोई एक्स्ट्रा माइक लगाने की, अगर आप 30-40 की स्पीड पे चला रहे हैं तो बाइक। इसके अंदर टाइम लैप्स का ऑप्शन है, हाइपर लैप्स है, स्लोमो है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप सारी चीज़ें सिर्फ इस एक छोटे से कैमरे से कर सकते हैं। और कैमरा 20,000 रुपीज़ में बहुत अच्छा कैमरा है ये। GoPro 9 40,000 रुपीज़ का है, और DJI ओस्मो एक्शन
20,000 रुपीज़ का है, तो बहुत फ़र्क है दोनों में, हाफ का फ़र्क है। अभी मेरे को इसके लिए लेना है एक माइक अडेप्टर, जो मैं जल्दी लेने वाला हूँ, उसकी वीडियो मैं डालूँगा, कहाँ से मिल सकता है आपको और कितने में मिल सकता है, बहुत जल्द उसके बारे में बताऊँगा आपको और उसकी वीडियो डालूँगा मैं। आई होप ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं और जो कैमरे के बारे में बताया है आपके लिए यूज़फुल होएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें थोड़ा। मैं भी बिगनर हूँ, न्यू व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल पे विज़िट करें और देखें मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बस छोटा सा सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहता हूँ आपसे, मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें मेरे को, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ, मैं आपको और चीज़ों के बारे में बता पाऊँ और अच्छी डिटेल्स में बता पाऊँ।